नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में, जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ के साइंस का फिजिक्स में मोशन चैप्टर, इस मोशन चैप्टर में हम लोग अब तक दो वीडियो कर चुके हैं। और अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मोशन क्या है, इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, और इसके पीछे के जो दूसरा वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे कि जो मोशन है उसको बढ़िया ढंग से कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं, पहला यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्या है? तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, पोजिशन, जैसे हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट के किस में बता रहे थे आपको कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका वैल्यू क्या है। जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में डायरेक्शन। अगर 5 किलोमीटर नॉर्थ बोल दिया आपको कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो तो है ही, इसके साथ ही साथ उसमें क्या है, इसके साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों है तो हम उसको बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, उसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, उसके पास केवल क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसको हम बोल रहे थे क्या, मैग्नीट्यूड। जैसे मास है, मास 5 kg, 5 kg में कोई डायरेक्शन नहीं है। kg 5 kg लीजिएगा तो उसमें कुछ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपका टेम्परेचर है 50 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर, उसमें डायरेक्शन नहीं बनाना है, बताना है कि 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री जो सेल्सियस नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग सीधा बोलते हैं कि उसका जो बुखार है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर, जिस जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही टाइम के बारे में भी है, टाइम क्या है, तो उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो सिंपल से बात करें तो वेक्टर के पास क्या है, दोनों है, क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और स्केलर के पास क्या है, दोनों नहीं है बल्कि केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज मोशन का यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो एक बॉडी को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर अगर क्या करेगा, यूनिफॉर्म का मतलब आप अगर समझना चाहते हैं इस तरह से समझिए, बच्चे लोग को जब स्कूल आते हैं तो उनको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म में आओ, बच्चों को बोला जाता है यूनिफॉर्म में आना चाहिए, यूनिफॉर्म में आइए। यूनिफॉर्म में मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म जो है वो केवल कपड़ा नहीं, उस कपड़े के बारे में ये नहीं कहा जाता, बल्कि वो यूनिफॉर्म का मतलब कि सबको एक जैसा है। इसीलिए एक कपड़ा खास तय कर दिया जाता है स्कूल द्वारा कि आप इसी तरीके का कपड़ा पहन के आइए। ठीक है, तो सबको आए एक जैसे कपड़े में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म में आया है, वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है। ठीक है, अगर सबको अलग अलग कपड़ा पहन के आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, उनका जो ड्रेस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे क्या है, मोशन में उसका क्या मतलब है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम पीरियड इज। क्या बोलता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि आपका मोशन जो है वो कैसा हो, वो ऐसा हो कि हर जगह पे हर समय आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मान लीजिए 5 सेकेंड में वो 5 मीटर कवर करता है, तो अगला 5 सेकेंड में भी, फिर से अगला 5 सेकेंड में चले, तो उसको क्या करना चाहिए, 5 सेकेंड में 5 मीटर ही कवर करना चाहिए। अब ये रेट क्या हो गया इसका, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसा नहीं कह लिए इतना 5 सेकेंड हर बार काउंट नहीं करेंगे, बल्कि अगर 1 सेकेंड भी काउंट करें, 1 सेकेंड में तो कितना उसको चलना चाहिए, 5 सेकेंड में 5 मीटर, तो 1 सेकेंड में उसको 1 मीटर चलना चाहिए। अगर वो 1 मीटर में चलता है तो हम बोलेंगे कि नहीं, उसका जो मोशन है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक।
ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है? तो ऐसा मोशन जिसमें जो बॉडी है वो क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए कि 5 मीटर वो दूरी तय किया, पहला जो 5 मीटर पर चलना शुरू किया वो कार, तो पहला 5 मीटर चलने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगा। अगला 5 मीटर वो जब चलता है तो वो 3 सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि अगला 5 मीटर उसको चलने में 8 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है, तो हम देखते क्या है, हम देखते क्या है कि कभी वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, मतलब एक सेकंड में उसको 1 मीटर वो चल रहा है, कभी उसका स्पीड जो है वो घट गया, कभी वो फिर से क्या हो गया और घट गया, यहाँ बढ़ गया था 3 सेकंड में ही, ज़्यादा वो कम समय में ज़्यादा चला गया, यहाँ ज़्यादा समय में भी उतना ही चला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका टाइम एक ही डिस्टेंस को कवर करने में उसको अलग अलग टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, जैसे बच्चे जो है वो स्कूल में अलग अलग कपड़े पहन करके, अलग अलग जो ड्रेसेस पहन के, तो हम बात कहते हैं कि वो जो है वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म जो है उनका ड्रेस है, ड्रेस का पैटर्न। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या करता है कि वो मूवमेंट ऑफ बॉडी अलॉन्ग राइट स्ट्रेट लाइन विथ स्टेडी स्पीड, एक खास एक नॉर्मल स्पीड में वो क्या करता है, मोशन करते रहता है स्ट्रेट लाइन में। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं है, वो क्या है, उसी लाइन में अगर मोशन कर भी रहा है तो क्या है, वो कम बेसी उसका स्पीड हो रहा है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, ये जो है सिमिलर है स्पीड, क्या है इसका स्पीड जो है वो, मतलब जो एक्चुअल स्पीड इसका वही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल स्पीड क्या होता है उसका डिफरेंट होता है, अलग अलग जगह पे इसका स्पीड क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेंज होता है। इसलिए उसके एक्चुअल स्पीड जो है वो क्या है, वो जो हमेशा जब चल रहा है वो 5 के स्पीड से जिसमें चल रहा था वो उसका एक्चुअल स्पीड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले कभी 7 चला, कभी 5 चला, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे देखें तो हम देखेंगे 7 है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल जो स्पीड है उसको 7 नहीं है, क्योंकि वो कभी घटा कभी बढ़ा है। तो एक्चुअल स्पीड हम उसका किसी खास पॉइंट पे नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल निकालना पड़ेगा इसका। यहाँ पे देखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप जब बनाइएगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इसमें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वहीं पे, इसके केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है, वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल्स कुछ। एग्जाम्पल क्या है, द मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड्स एंड मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखिए 30 सेकंड में ही ये कांटा जो है वो 60 सेकंड में ये कांटा जो है वो क्या करता है, यहाँ से घूम करके वापस आता है, और हर बार ऐसा ही होता है। तो वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है हर एक सेकेंड में, एक मिनट में एक राउंड, वो जो सेकेंड का कांटा है। उसी तरह पेंडुलम के केस में भी है, वो जब चलेगा तो इधर जितना चलेगा ऐसे ऐसे वो बराबर समय लेगा आने जाने में। ठीक है, वैसे ही मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉयड एंड बाउंसिंग ऑफ द बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। ठीक है, जहाँ पे देख रहे टाइम इक्वल टाइम लग रहा है उसको और एक मिनट को पूरा करने में, वहीं पे ये भी ऐसा ही जब मोशन कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में वो कवर करता है।
ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो देखिए बॉल को हम उछाल दिए, तो जिस स्पीड से गया था नीचे उसी स्पीड से नहीं हिलेगा, वो कम बेसी होगा। उसी तरह के मान लीजिए कि कोई एस्ट्रॉयड जो है वो टकराया कहीं गया, तो भी उसका क्या है स्पीड जो है वो वेरी करेगा, चेंज करेगा। सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उस समय से हम स्पीड और स्पीड के बारे में बात करें, चलिए स्पीड क्या है वो हम देख ले। स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर टू एज स्पीड। स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया कौन, एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटा में, कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करता है। ठीक है, ये जो दूरी है उसी को बोलेंगे एक जो खास स्टैंडर्ड टाइम में, एक टाइम में जो है वो कितना दूरी तय किया, इसी को बोलते हैं स्पीड। ठीक है, फिर मान लीजिए कि एक घंटा में वो 50 किलोमीटर तय किया, तो उसका स्पीड क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर घंटा। वहीं पर अगर मीटर में बात करें कि नहीं, वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड के बारे में बता सकते हैं। आपको यहाँ पे स्पीड के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और ये क्या है, स्पीड है जो है मीटर पर सेकंड में उसको मेजर करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने से मतलब क्या है कि ये इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तय नहीं होता कि कौन सा डायरेक्शन में चलना है, तो इसको बोलते हैं स्पीड। यहाँ आपके पास फॉर्मूला है, देखिए डी अगर आपको निकालना है तो एस और टी। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ऊपर वाला जो है वो गुना से आता है, ठीक है, तो ऊपर वाला गुना से आएगा, तो डी और टी को, एस और टी को गुना कर दीजिएगा तो आपको डी मिल जाएगा। वहीं पे हमको चाहिए इस बार टी, तो टी के लिए ये दोनों इसको जो है इससे भाग देंगे, मतलब डी बाई एस। वहीं पे एस निकालना है तो डी बाई टी। इस तरीके से क्या है, डिस्टेंस, ये जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड में कुछ और टर्म्स हैं। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड क्या है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नॉन स्पीड मोशन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा हम देखेंगे, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना दूर गया, और उसको टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस और टाइम को एवरेज जो है, जो डिस्टेंस लगा और जो टाइम है उसको, जब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किए, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किए, तो हमको मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे 30 मीटर पर सेकेंड, बी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वहीं पे ए जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो जो रेड कार है उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, वहीं ग्रे का 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बोला क्या है, कार ट्रेवल 35 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन 45 किलोमीटर बी टू सी, टोटल टाइम टेकन वाज 1.3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। ठीक है, दो दो जगह वो जाता है, पहले गया ए से बी, फिर बी से सी। ठीक है, ए से बी हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है, और बी से सी के बारे में हमको नहीं पता है। अच्छा सॉरी, ए से बी वो जाता है 85 किलोमीटर के स्पीड से, सॉरी गलती हो गई, 85 किलोमीटर के स्पीड से, और वहीं पे बी टू सी जो है वो 45 किलोमीटर के स्पीड से जगह।
तो हमको पता करना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज के लिए क्या करना है, तो हमको पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना वो लोग कवर किए। तो पहले वाला 85 और आगे जो है वो क्या है 45, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो 1.3 लिखा है, तो 1.3 हम यहाँ पे भर दिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 130 किलोमीटर, और वहीं पे देखिएगा कि आपका जो डिस्टेंस ये टाइम लगा वो क्या है 1.3। सो ये क्या हो गया, दोनों कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10 से ये कटेगा तो ये आया 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। इससे आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या है। सो वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी और स्पीड का जो कंपैरिजन है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, उसके बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे। फिर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन के बाद हम लोग स्टार्ट होगा जो हम लोग पहले से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इस साल जो हमारे लिए नया है वो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले। ठीक है, और उसका 2 मेथड, एक है मेरा जो एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो इस